डियर स्टूडेंट, आज मेरा सेकंड टॉपिक ये है, सेकंड कंडीशनल टॉपिक ये है। पहला हमने इससे पहले सिंपल कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट शेयर की जो आपको बताया, अब सेकंड कंडीशन ये है जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिशन के वक्त वो ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर से ऐसा कंडीशन कुछ हिस्सा ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्किंग कैसे करें। जैसे सपोज दैट हमने देखा, सपोज क्या ओल्ड पार्टनर हमारा ए और बी है, उनका ओल्ड रेशियो 7:5 है, यानी 7/12 और 5/12 है। नया पार्टनर, न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है जो 1/6 प्रॉफिट पा रहा है। अब कंडीशन ये डाली गई कि व्हिच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, वो ए और बी से इक्वल यानी ए और बी से बराबर हिस्सा पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ए बी और सी ओल्ड रेशियो हमारा है, ओल्ड रेशियो का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/12 और 5/12। न्यू रेशियो अभी हमने सिर्फ इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन मालूम है, सी का 1/5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कंडीशन डाली गई है कि विच ही इंक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, वो ए बी से ले रहा है, कितना ले रहा है, इक्वल ले रहा है यानी बराबर ले रहा है। ऐसी कंडीशन में ए जब देंगे तो दाएं से बात है तो उनका प्रॉफिट कम होगा, तो पहले वो पाते थे 7/12 माइनस कितना 1/6 का हाफ, वो दे देंगे इसको सी को दे देंगे। बी पाते थे 5/12 देंगे माइनस कम होगा, माइनस 1/6 का 1/2 लास्ट वाला 1/6, इसको ड्राइव करेंगे तो 7/12 माइनस 1/12 हो जाएगा 5/12 - 1/6 = LCM 12 - 7/12 - 5/12 - 2/12 - 6/12 दूसरा हमारा होगा 4/12 ओल्ड पार्टनर ए और बी के उनका प्रॉफिट रेशियो 7:5 था, तो यानी 7/12 - 5/12 का। नया पार्टनर सी फर्म में एडमिट हो रहा है, 1/6 हिस्सा पाता है, व्हिच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, किस रेशियो में, बराबर रेशियो में, ये कंडीशन है। अब सॉल्व करेंगे ओल्ड रेशियो 7/12 - 5/12 सी का नहीं मालूम, न्यू रेशियो सी का 1/6 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब देखा जाएगा। पहले ये मानते थे 7/12 - 7/12 उन्होंने किसको दिया, सी को दिया, जब दिया तो कम हुआ, तो 7/12 माइनस सी का हिस्सा है 1/6 का आधा, 5/12 माइनस 1/6 का आधा, तो ये हो गया 7/12 - 1/12 - 5/12 - 1/12 लास्ट वाले का 1/6 का क्रिएट करके आए 7 - 1 - 5 - 1 - 2 - 1, तो यहां पर हमने देखा 6/12 - 4/12 - 2/12 आंसर आया 6:4:2, 2 से इसको हमने डिवाइड किया, आंसर आया 3:2:1, ये हमारा कंडीशनल आंसर, वो हमने कंक्लूजन दिया। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे और ऐसे वाले कंडीशन, थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, अभी ये दो वीडियो से आप कुछ क्वेश्चन लगाएं और प्रॉब्लम पूछें।